your maths master teacher Advedantu. So very very warm welcome on Maths Pirates. So today captain and you pirates are going to boom together what the concept of mathematics. What we are going to discuss today is HCF and LCM. How to do the HCF and LCM, what is the concept behind that, and how to do it in fraction of seconds. So shuru kare pirates. So before I start with this, I want to discuss about learning online. As you guys know, due to this epidemic, we have to learn and stay at home only. तो learning भी घर से ही करनी है. तो learning करते हैं online. तो online पढ़ते हुए doubts तो आते ही होंगे. Notes की भी बहुत बड़ी tension होती है कि नहीं होती है. टेस्ट और असाइनमेंट की भी टेंशन होती है. मैम रेगुलर नहीं मिल पाते, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, हमें पता नहीं है हम कहाँ सही है कहाँ गलत है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बी द बेस्ट अमंग ऑल द क्राउड अवेलेबल, तो यार कुछ हटके अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना. शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग चाहिए हमें. इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल चूज़ करो, लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आपने हमें बताया और वेदांतु ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर दी हैं. आपको इंस्टेंटली डाउट सॉल्व होंगे विद इन द क्लास बाई मास्टर टीचर एज वेल एज द क्लास टीचर्स अवेलेबल देयर. They are going to solve your doubts together. They are going to help you out in notes. Handwritten notes मिलेंगे यार टीचर के. और क्या चाहिए, इस चीज़ के लिए तो हम मरते थे यार. लड़ाइयाँ हो जाती थी हमारे टाइम पे कि हमें मैम के हाथ के लिखे नोट्स चाहिए. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व. टेस्ट एंड असाइनमेंट, टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, असाइनमेंट आफ्टर एवरी सेशन. तो सारा कुछ आपको अपने आप टाइम पे मिलेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन सारी की सारी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जितने भी क्रैश कोर्सेज वेदांतु लॉन्च करता है, आउट ऑफ 3000 प्लस कोर्सेज, यू कैन चूज ऑल ऑफ देम, एनी ऑफ देम, वन ऑफ देम. इट्स अप टू योर चॉइस कि जितना आप यूटिलाइज करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म को, इस रिसोर्सेज को. तो हम हैं आपको रिसोर्स प्रोवाइडर. We are giving you this opportunity. It's in your hand. You want to take it or not? ठीक है. Schedule भी आप choose करोगे. आप choose करोगे आपको किस समय पढ़ना है. Language आप choose करोगे कि किस language में आपको पढ़ना है. Personalized attention तो यार मिलती है यार. Personal attention तो मिलती ही है यार master teacher की वहाँ पर. ठीक है. Performance report मिलती है जब आप test देते हो, assignment देते हो कि आप अभी कैसा perform कर रहे हो, आप पहला कैसे कर रहे थे, और आगे आपको जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपको कितनी देर है, क्या वो ब्रिज है, क्या वो गैप्स हैं, क्या करके वो गैप्स पूरे होंगे. सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग मेरे बच्चों. सो विजिट दिस लिंक vdnt.in/ytpro. चूज योर ग्रेड, इन विच ग्रेड यू आर इन. फिर वहाँ पर अपना टारगेट एग्जाम CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसको सेलेक्ट करो. चेक आउट द डिटेल्स प्रॉपरली. Then click on get subscription. We have three plans. 1 month, 3 months, 6 months. तो 1 month के plan में क्या फ़ायदा है, 3 months के plan में क्या फ़ायदा है, 6 months में कोई difference नहीं है elements में. केवल difference है price का. Yes बच्चों, price का. तो ये जो 4000 का है 1 month plan, if you apply the coupon code, you get it for 2294 rupees. तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, बट 1 month का है. 3 months का प्लान जो है वो 10,000 का है, बट इफ़ यू अप्लाई द कूपन कोड यू गेट इट फॉर 5,949. वी हैव 6 months प्लान ऑल्सो. इसमें यार मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है. इसकी पर क्लास की कॉस्ट 8 रुपये होती है. तो अगर आप एक दिन चॉकलेट नहीं खाते हो ना अपनी, तो समझ लेना आप क्लास ले रहे हो. सो विजिट दिस लिंक vdnt.in/ytpro एंड अप्लाई द कूपन कोड दैट इज ytpro. चलो आप समझते हैं यार इस LCM के कॉन्सेप्ट को. है क्या ये LCM? कुछ नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही बोलोगे ना. बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है यार, बहुत कंफ्यूजन है ना. तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने वाली हूँ, बूम करने वाली हूँ. समझे इस कॉन्सेप्ट को. चल सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 4 and 5. तो बेटा LCM को समझने के पहले एक बात मेरी समझो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है.
तो हम ब्रेक कर देते हैं इस टर्म को, लोएस्ट को अलग, कॉमन को अलग, मल्टीपल को अलग, एक एक समझते हैं पीछे से। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब टेबल, समझ रहे हो आप, टेबल। अब टेबल क्या होती है, जैसे मैं ले लूँ 3 की टेबल, ठीक है, तो 3 की टेबल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, है ना, एंड सो ऑन। तो आप क्या करते हो, उस जिस नंबर की आपको टेबल चाहिए उस नंबर को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, टेबल आपको मल्टीपल हो जाते हैं, तो मतलब 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप क्या करो, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं बात कॉमन मल्टीपल की। जब हम बात करते हैं बेटा कॉमन की, तो जैसे कॉमन आप खुद में तो कॉमन ढूंढोगे नहीं, तो एक और बंदा चाहिए ना कॉमन ढूंढने के लिए। जैसे ले लेते हैं खुशी और सेतु का एग्जांपल, तो खुशी और सेतु में क्या कॉमन है, मे बी उन्हें चॉकलेट पसंद है, ठीक है, तो क्या कॉमन हो गया, चॉकलेट इज द कॉमन थिंग। तो अब यहाँ नंबर्स का खेल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल्स उठा लो, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है वो उठा लो, उसके बाद जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन है ना वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आप इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ले लेते हैं एग्जांपल 4 और 5 का। तो ये लिख दी हमने 4 के मल्टीपल, 4 की टेबल, ये लिख दी हमने 5 के मल्टीपल। अब इसमें ढूंढो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 5 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है कॉमन, 16 भी नहीं है, 20 मिल रहा है कॉमन दोनों में है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 20, और दैट इज नथिंग बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यू कैन से द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यही है मेरे बच्चों एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अभी क्लियर हो गया, यस, बूम्ड इट। तो अगर इसे समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे लाइक करके बता दो अगर समझ में आ गया है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यस मैम आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द 3 नंबर्स, 4 5 10, कुछ नहीं, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 10 की टेबल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है आपका, कुछ नहीं, ये 20 दिख रहा है मुझे कॉमन तीनों में, वो भी सबसे छोटा, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट 20 इज द एलसीएम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे, 2 4 16, तो 2 की टेबल, 4 की टेबल, 16 की टेबल, मुझे दिख गया सीधा सीधा यहाँ पर 16 कॉमन है और लोएस्ट कॉमन है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 16, दिस इज एलसीएम। तो बेटा मैं आपको दे रही हूँ 2 होमवर्क अभी, ठीक है, दिस इज द होमवर्क नंबर 1 फॉर एलसीएम एंड दिस इज द होमवर्क नंबर 2 फॉर एलसीएम, ठीक है मेरे बच्चों, इसका आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो यू वर यू एबल टू इट विद इन 7 सेकेंड्स और नॉट, ओके पीपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एलसीएफ। अब यार इसको भी हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको भी मचाएंगे, कैसे, ब्रेक करके। क्या है एचसीएफ, सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग अलग पढ़ते हैं, तो पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है मेरे बच्चों। तो फैक्टर होता है, देखो कोई भी नंबर का अगर कोई फैक्टर है ना, तो मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 लेके आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ क्या 6 का फैक्टर 2 है, तो डिवाइड करके देख लो ना यार, 2 3 6, रिमाइंडर इज 0। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन दैट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ सी 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर वही कि 2 नंबर लोगे, उनके फैक्टर लिखोगे, जो कॉमन आ रहा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो एचसीएफ हो जाएगा, और यू कैन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, 12 और 16 ले लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ 12 हो गए 1 2 4 6 12, ठीक है। एक बात समझ लेना, एचसीएफ में ना
जो फैक्टर होते हैं, जिस भी नंबर के आपके फैक्टर लिख रहे हो, वो नंबर इज द हाईएस्ट मैन हाईएस्ट वन दैट इज इक्वल टू दैट नंबर और लोअर देन दैट नंबर. ठीक है, लोअर देन दैट नंबर. क्यों ऐसा होता है मेरे बच्चों, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, देखो एक्सप्लेन करती हूँ मैं. जैसे यहाँ पे हमने लिया 12 की बात, तो यार 12 को उठाया तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 12 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली? 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन. याद कर लो, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन एंड द नंबर इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन. ठीक है, तो दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ आल्सो. द नेक्स्ट नंबर विच कैन डिवाइड 12 इज 2, 4, 6 एंड 12. वैसे ही 16 में 1, 2, 4, 8 और 16. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है यहाँ पर? हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन है पहले निकाल लो. 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद मुझे नहीं दिख रहा कोई कॉमन. तो इसमें हाईएस्ट कौन है 1, 2, 4 में? सबसे बड़ा 4, तो देयरफॉर एचसीएफ इज 4. अगला एग्जांपल 20, 32, 14 ले लें एग्जांपल. फैक्टर ऑफ 20 ये हो गए, फैक्टर ऑफ 32 ये हो गए, फैक्टर ऑफ 14 ये हो गए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 ओनली, तो एचसीएफ इज 2. हो गया ना 7 सेकंड्स में बूम. 7 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे यार. 50, 25, 35 एक और एग्जांपल लेके समझा रही हूँ. 50 के फैक्टर लिखो, 25 के फैक्टर लिखो, 35 के फैक्टर लिखो. लिख लिए कॉमन फैक्टर, यहाँ पे जो मिलेगा उसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? मुझे दिख रहा है ये 5 इज द हाईएस्ट वन, 5 इज द एचसीएफ. सो नाउ दिस इज द होमवर्क. अगेन 2 क्वेश्चन फॉर एलसीएम, 2 क्वेश्चन फॉर एचसीएफ. ठीक है, ये होमवर्क है. डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके पीपल, ऑल राइट. नाउ दिस इज द चैलेंज ऑफ द डे. सो बूम दिस चैलेंज. आई वॉन्ट यू गाइज टू बूम दिस चैलेंज एंड विल बी वेटिंग फॉर द आंसर. वाई डू वी ऑलवेज फाइंड एच सी एम एंड एल सी एम? वाई नॉट एच सी एम और एल सी एम? ठीक है, डू गिव मी द आंसर परफेक्टली विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्पल इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डिक्लेयर द विनर्स ऑफ दिस चैलेंज. ऑल राइट, सो गाइज बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट द प्रो सब्सक्रिप्शन. इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, यू वॉन्ट बोनस, तो यार क्यों मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी? जाओ इस लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में है. ग्रेड सेलेक्ट करो, टारगेट एग्जाम सेलेक्ट करो, डिटेल्स प्रॉपर चेक करो, तसल्ली होके पेरेंट्स को दिखाओ, एकदम अच्छे से देखना. फिर समझ में आए तो 1 मंथ का ट्राई करके देखो. एंड डू लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड. गो फॉर दिस लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट, अप्लाई द कूपन कोड ATPRO एंड गेट द डिस्काउंट. So guys, this is it for today. Thank you so much for coming to the session. Hit the like button, subscribe to the channel and share it with your friends. Macha do ise, bilkul. Fela do idhar udhar, bilkul guys. So let's end this session now. We'll see you in the next session. Bye bye, Rates. We'll see you in the next session.